है गाइस, हाउ आर यू? सो चलिए फिर हम ये वीडियो देखते हैं, हरियाणा जीके एंड क्विज। देखिए, ये बहुत इरिटेशन हो गई, आज फोर्थ टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली रिकॉर्ड हो रही हो इस बार, क्योंकि अब मैं टूल बार भी मेरा हाइड हो गया है और मुझे दिखाई नहीं देता कि मैं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। और चौथी बार, तीन बार रिकॉर्डिंग की और तीनों बार नहीं हुई, काफ़ी इरिटेशन हो गया है। बट फिर भी चलो लास्ट टाइम फिर ट्राई करता हूँ, होपफुली ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही हो और टाइम वेस्ट ना हो हमारा। और देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है। अब चार चार बार सोचिए, मैं 1.5 घंटा हो गया मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, 10 मिनट की वीडियो है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप भी कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा सा आप लाइक वगैरह कीजिए, कर दीजिए कराए, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज फरीदाबाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे 3 बार पढ़ चुके हैं, चौथी बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, दिखाई दे रहा है। एक कब बना था? 15 अगस्त 1979 को। और यहाँ से यमुना रिवर जा रही है, ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। यमुना रिवर कहाँ से जा रही है? फरीदाबाद को टच करते हुए, यहाँ पे है यूपी, यहाँ पे है फरीदाबाद, राइट? ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अभी हम आगे देखेंगे फरीदाबाद के बारे में। देखिए, फरीदाबाद किसने बनाया था, ये यहाँ पे थोड़ी गलती है, और ये मैंने चारों बार वीडियो बनाई और ये ध्यान नहीं दिया कि इसको चेंज कर दो। ये 1407 है, यानी कि जो फरीदाबाद जो बिल्ड किया था वो शेख फरीद यहाँ पे थे, ट्रेजरर थे जहांगीर के, और इन्होंने कब बिल्ड किया था? 1407 में। ये पहला फैक्ट याद रखना है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो लार्जेस्ट सिटी है ये पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है? नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है फरीदाबाद। इस इतनी बड़ी सिटी कोई नहीं है। फरीदाबाद की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, ये हम सेंसस में पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी फरीदाबाद की पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। और अगर टाउन की बात करें, जब सिर्फ ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे हम, ये डिस्ट्रिक्ट है पूरी, लेकिन सिर्फ फरीदाबाद टाउन की बात करें तो उसकी भी पॉपुलेशन, कोई भी और ऐसा टाउन नहीं है हरियाणा के अंदर जिसने इसकी पॉपुलेशन हो। और अगर हम बात करें तो करीबन 20 लाख को पहला एक ऐसा टाउन है जो 20 लाख की पॉपुलेशन क्रॉस कर गया हरियाणा में। सेंसस के अकॉर्डिंग तो इसके 17 लाख के करीब है, लेकिन एग्जैक्ट अभी देखें तो हम 20 लाख को क्रॉस कर गया। ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया हरियाणा का तो जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख को क्रॉस कर गई है। इसके बाद यमुना रिवर बाउंड्री बनाती है फरीदाबाद और यूपी के बीच में, ये मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद 14th जो सेंचुरी में एक राइटर थे ईसर दास, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, अंगद पैदा, भरत विलाप और सत्यवती कथा। ये कहाँ से बिलोंग करते थे ईसर दास? ये भी फरीदाबाद से बिलोंग करते थे, ये आपको चीज़ एक याद रखनी है, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें तो सूरदास भी यहीं पे बोर्न हुए थे। सीही गांव है यहाँ पे, सीही गांव फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे सूरदास बोर्न हुए थे। ये फैक्ट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, वैसे अगर ऑप्शन आए तो आपको लगाना है फरीदाबाद ही। ये क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है? कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास यूपी के अंदर पैदा हुए थे, तो अगर हमारे हरियाणा से रिलेटेड एग्जाम है तो हमें हरियाणा ध्यान रखना है। अगर बात करें तो 12वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कब बनी थी, 15 अगस्त 1979। तो एक फैक्ट ऐसा पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस डे के दिन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी थी हरियाणा की, तो ये है फरीदाबाद। इसके अलावा कोई और भी डिस्ट्रिक्ट आएगी तो उसको भी हम पढ़ लेंगे, इस समय के लिए हमें फरीदाबाद याद रखना है। देखिए, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई 3-4 बार रिकॉर्डिंग करके, तो आप थोड़ा शायद समझ सकते हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे 2 भी क्रॉस करता है फरीदाबाद से, राइट? ये याद रखिए, नेशनल हाईवे 2 भी फरीदाबाद को क्रॉस करते हुए जाता है। इसके अलावा देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेस हैं या घूमने की जगह है, जो इंपॉर्टेंट प्लेस है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बड़कल लेक। बड़कल लेक को आप याद रखिए, ये बड़कल लेक है। अभी थोड़ा इसका पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इतना है नहीं, ये काफ़ी सूख चुकी है। और ये यहाँ से नेशनल हाईवे 2 गुजरता है, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए नेशनल हाईवे 2 कहाँ से गुजरता है, तो बड़कल लेक आपको याद रखना है। अरावली गोल्फ क्लब भी कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। कुछ लोग गुड़गांवा बना ऑप्शन मार देते हैं, तो ये ध्यान रखिए ऐसा नहीं है, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। उसके अलावा सूरज कुंड लेक भी यहाँ पे है, सूरज कुंड लेक, ये दिखाई दे रहा है। सूरज कुंड लेक किसने बनाया था? तोमर किंग थे एक, सूरज पाल को याद रखिए कि उन्होंने बनाया था सूरज कुंड लेक। इसके अलावा सूरज कुंड जो क्राफ्ट मेला है, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, ये भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में भरता है ये मेला, और हर साल ये मेला भरता है। और अगर हम बात करें 2018 की, तो इस बार कौन सा फोकस स्टेट रहा था? यूपी।
उत्तर प्रदेश। अब याद कैसे करेंगे आप, ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद के टच कौन सा हो रहा है, यूपी। तो यूपी को इस बार इन्होंने कहा कि आप आ जाइए, हम आपको थीम स्टेट आपको ही बनाएंगे। तो इस तरह आप रिलेट करिए, याद करिए। इसके बाद मगपई, यहाँ पे टूरिस्ट कम्प्लेक्स है, ये दो थोड़े अजीब से नाम है, याद रखिए, मगपई और दबचिक, दो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, टूरिस्ट कम्प्लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजा नाहर सिंह का फोर्ट भी फरीदाबाद में है, नाहर सिंह स्टेडियम भी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाबा फरीद का टोम्ब भी यहीं पे है, ये देखिए बाबा फरीद का टोम्ब, और इसी पे नाम पड़ा है फरीदाबाद, फरीद। उसके बाद NTPI, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। चलिए उसके अलावा कुछ और हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की फरीदाबाद के बारे में, ताकि कुछ भी छूटे ना हमारा। अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की, देखिए इंडियन गवर्नमेंट स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटीज़ बना रही है, आपको पता है। उसके अंदर कौन कौन से हरियाणा के है, फरीदाबाद, ये फरीदाबाद जो है ये सेकंड लिस्ट के अंदर आया था, फरीदाबाद, और उससे पहले कौन सा है, करनाल। ये दो फैक्ट आप याद रखिए, 2016 में इसको इंक्लूड किया गया। इसके बाद अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें, इनकम टैक्स कलेक्शन की, तो 50% से ज़्यादा कहाँ से होता है, फरीदाबाद और गुड़गांव से ही होता है। और फरीदाबाद देखिए एक और चीज़ के लिए फेमस है, हीना प्रोडक्शन, हीना मेहंदी आपने सुना होगा, हीना मेहंदी, ये काफ़ी यूज होती है हरियाणा के अंदर, और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है हरियाणा के अंदर ही और फरीदाबाद के अंदर, और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की जाती है, वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा हीना की प्रोडक्शन यहीं पे होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ के लिए फेमस है फरीदाबाद, ट्रैक्टर्स के लिए, देखिए एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स हैं, वो भी कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर बनते हैं। मोटरसाइकिल्स यहाँ बनती है, मोटरसाइकिल में बात करें तो यामा हो गया, स्विच गियर्स, रेफ्रिजरेटर, शूज़, टायर, टायर के बारे में पूछा है कि टायर सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्शन होती है, तो फरीदाबाद के अंदर। गारमेंट्स वगैरह के भी यहाँ प्राइमरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2018 में अगर वर्ल्ड की जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ निकाली थी, उसमें फरीदाबाद का दूसरा नंबर था। पहले नंबर पे कौन सा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, देखिए कानपुर सबसे पॉल्यूटेड सिटी है अकॉर्डिंग टू WHO, दूसरे पे है फरीदाबाद। कितनी चिंताजनक बात है ये, ठीक है, ये याद रखना आपको। फरीदाबाद, ये मैंने बता दिया, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हीना का इंडिया के अंदर। फरीदाबाद में हेडक्वार्टर किसका, NHPC का, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है फरीदाबाद के अंदर, और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। इसके बाद बात करें फरीदाबाद जो है इंडस्ट्रियल कैपिटल है हरियाणा की, हरियाणा की इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन है, फरीदाबाद। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल कैपिटल पूरे इंडिया की कौन सी है, मुंबई, ठीक है, याद रखना आपको। इसके अलावा चलिए और बात करें, 2013 का कुछ डेटा दिया हुआ है कि 11,665 रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्री थी हरियाणा के अंदर, उसके अंदर 2500 के करीब, 2499 कहाँ पे थी, फरीदाबाद में, और 2111 कहाँ पे थी, गुड़गांव में। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन होगी, फरीदाबाद ही होगी, कि कम से कम 11,000 में से 3,000 तो यहीं पे है, समझ सकते हैं 1/4 के करीब यहीं पे हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर मैंने बता ही दिया है, इंडिया यामा मोटर्स है, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां फरीदाबाद के अंदर है। मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, गुड़गांव के अंदर आपको अगर पता हो तो गुड़गांव के अंदर सर्विस सेक्टर ज़्यादा आ रहा है, IT सेक्टर है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन फरीदाबाद के अंदर जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा है। लेकिन अभी फरीदाबाद की जो ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, वो कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि गुड़गांव की ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि गुड़गांव जो है NCR में भी आता है, NCR में तो फरीदाबाद भी है, लेकिन गुड़गांव कैपिटल के बहुत नज़दीक है, इस वजह से इसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है। इसके अलावा बात करें तो ये देखिए पूरा डैम जो मैं इसके ऊपर कुछ काफ़ी लिख दिया है, तो ये डैम जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी फरीदाबाद में, इसका नाम है अनकपुर डैम, और ये अनकपुर विलेज है, एक अनकपुर विलेज, उसमें अनंगपुर ये डैम है, और इसको विलेज को कभी 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 आरंगपुर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने 10-15 फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं, होपफुली आपको याद हो गए, मैं फिर से बता देता हूँ। 1607 में, सॉरी, शेख फरीद ट्रेजरर थे जहांगीर के, उन्होंने बनाया था। लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट टाउन है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, यमुना रिवर इसके क्रॉ यानी कि बाउंड्री बनाती है यूपी के साथ। ईसर दास एक राइटर थे 14वीं सेंचुरी में, जिन्होंने 3 बुक लिखी थी, अंगद पैदा, भारत विलाप और सत्यवती कथा, वो भी फरीदाबाद के थे। सूरदास का जन्म भी सीही गांव में हुआ है। उसके अलावा इसकी फॉर्मेशन 12वां डिस्ट्रिक्ट था ये,
और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 15 अगस्त को, ये आपको ध्यान रखना है, 1979 में NH2 पास होता है। भड़कली लेक, अरावली गोल्फ क्लब, सूरजकुंड लेक, मकपई टूरिस्ट, राजा नहार सिंह, दबचिक टूरिस्ट रिजॉर्ट, बाबा फरीद टॉम्ब और NTPI भी फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा हम बात करें स्मार्ट सिटी में भी इसका नाम आता है। इनकम टैक्स कलेक्शन हरियाणा में फरीदाबाद और गुड़गांव से ही होती है। हीना की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। टायर हो गया, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, इसकी प्रोडक्शन फरीदाबाद के अंदर होती है। WHO के डेटा के अकॉर्डिंग सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, फर्स्ट पे कानपुर। और इसका अगर NHPC का हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है ये हरियाणा की। और सूरजकुंड मेला भी यहाँ भरता है। सूरजकुंड मेला, ये मैंने बताना आपको भूल गया कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2018 का जो फरीदाबाद में भरा था, उसमें थीम स्टेट कौन सा था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अनकपुर डैम भी फरीदाबाद, ये काफ़ी फैक्ट बता दिए। और कुछ, और हम देख ही चुके हैं सोनू निगम भी यहाँ से, सोनू निगम का भी बर्थ कहीं, कहाँ से हुआ था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से। और भी कुछ फैक्ट आएंगे धीरे धीरे, और ज़्यादा नहीं, ये 80% चीज़ें हमने कवर कर ली फरीदाबाद की। अगर कुछ 20% बची है वो क्वेश्चंस में आएंगी, तो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो कुछ भी टेंशन की बात नहीं लेनी है आपको, धीरे धीरे सब कवर करेंगे। देखिए मेरे पास इतनी किताबें हैं, मेरे पास हज़ार हज़ार पेजेस की किताबें हैं भाई, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। आप बस बने रहिए और आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। देखिए शेयर नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो मैं उतने मोटिवेशन से वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ एक एक दो दो वीडियो डालूँ आपके लिए। आप मोटिवेट करेंगे तो मैं और वीडियो डालूंगा, तो जल्दी आपका कोर्स ख़त्म होगा, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।